हमारे बिहार में हो रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। और हमारे बिहार से खेसारी भैया कहीं ना कहीं पटना से कर रहे हैं, ये तो और खुशी की बात हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं संघर्ष 2 का, और है जो कि ये बड़ा सा पोस्टर तो नहीं बताएंगे, लेकिन बात यह है कि अगर पवन सिंह और खेसारी लाल में दोनों में तुलना किया जाए तो देखिए पवन भैया की बात है कि सॉन्ग हमेशा अच्छा रहते हैं, सब चीज़ में सॉन्ग उसका ज़्यादातर चलते हैं, और खेसारी भैया का है कि फिल्म चलते हैं ज़्यादा, तो इसलिए ट्रेंडिंग एक्टिंग बढ़िया कर लेते हैं, और उनका कला जैसे गला अच्छा है उनका पवन सिंह का, इस वजह से फिल्म इसका बेहतर रहा। वो लोग अपने लेवल पर बहुत बड़े स्टार हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो छोटे हैं वो बड़े हैं, दोनों समतल हैं, मतलब दोनों साधारण हैं और दोनों एक ही तरह के स्टार हैं। खेसारी लाल का बेटी कृति, बेटिया रानी कृति यादव इसमें रोल निभाई है, इस वजह से संघर्ष 2 मतलब कि और बेहतर बन गया। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकिशोर और आप देख रहे हैं राजकिशोर मंडल ब्लॉग्स। अभी हम पटना के पीएंड मॉल में हैं और है जो कि आज है चूँकि संघर्ष 2 मूवी का है जो कि यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है। और अभी मैं बता दूँ कि अभी हम पीएंड मॉल के 4वें मतलब कि 4थे तल्ले पर आ चुके हैं और यहाँ पे दिखाने वाले आप सभी को कि खेसारी लाल यादव है जो कि यहाँ पे प्रमोशन करने वाले वो दिखाने वाले और कुछ लोगों से रिव्यू थोड़ा करा देंगे कि ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ही होगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं, और मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं, तो चलिए एंट्री लेते हैं और यहीं पे होगा खेसारी भैया है जो कि संघर्ष 2 का मूवी का उधर प्रमोशन करने आएंगे आज 2 बजे के करीब। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं संघर्ष 2 का, और है जो कि ये बड़ा सा पोस्टर बनाया गया है और अंदर आप सभी को ले चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सजावट किया जा रहा है खाने पीने का, और है जो कि वहाँ पे संघर्ष 2 का बस, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे ही होगा। तो चलिए बाहर चलते हैं आप लोग, और यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे है माहौल देख सकते हैं, और काफ़ी मतलब कि अच्छे तरीका से यहाँ पे है जो कि सजावट किया जा रहा है। तो चलिए कुछ लोग हमसे जुड़ चुके हैं और है जो कि आप लोग जानते हैं कि आज है जो कि संघर्ष 2 मूवी का है जो कि प्रमोशन होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है भैया? आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कारण है कि आज हमें खेसारी लाल यादव को देखने का मौका मिल रहा है जी। और साथ में उनका इंटरव्यू भी हम लोग लेंगे जी। और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि संघर्ष 2 जो मूवी उनका आया है बहुत ही बवाल मूवी होने वाला है, क्योंकि लोगों को प्यार बहुत मिल रहा है। ये जो ट्रेलर चला है बहुत ही धांसू ट्रेलर है और उम्मीद है कि फिल्म भी बढ़िया होगा, इसीलिए हाँ हाँ। तो बस यहाँ पर प्रमोशन मतलब कि होगा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कहने की क्या बात है, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, बहुत सारे मीडिया वाले भी यहाँ आएंगे। और तो खास बात यह है जो कि मतलब कि 20 अक्टूबर के 2 मूवी रिलीज हो रही है, एक है पावर स्टार पवन सिंह का और एक है जो कि खेसारी लाल मतलब ट्रेंडिंग स्टार उनका संघर्ष 2 मूवी का होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आप किन्हें मतलब कि देखना चाहेंगे? देखिए मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं किसी को कंपैरिजन नहीं करूंगा, वो लोग अपने लेवल पे बहुत बड़े स्टार हैं जी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो छोटे हैं वो बड़े हैं, दोनों समतल हैं, मतलब दोनों साधारण हैं और दोनों एक ही तरह के स्टार हैं, और मैं उनको नापने का कोशिश नहीं करूँगा। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के मतलब कि आप लगभग एक ही मतलब कि समतल से देखते हैं, दोनों पावर स्टार हैं, दोनों ट्रेंडिंग स्टार हैं, दोनों एक तरह अपने जगह पे बहुत ही बड़े स्टार हैं जो। तो अभी मतलब कि यहाँ पे आए तो क्या मतलब कि क्या यहाँ पे कुछ क्या आपका मतलब कुछ करने आए हैं यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, हो सकता है उम्मीद होगा मौका मिलेगा तो खेसारी लाल यादव का हम लोग इंटरव्यू भी लेंगे, और नहीं होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो बस वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग पब्लिक कर देंगे वीडियो। चलिए भैया से मिलके अच्छा लगा, और एक और भैया है हमारे साथ, स्वागत है भैया जी। वेलकम, जितने भी राजकिशोर मंडल देखने वाले हैं भाई को प्यार दीजिए, और बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा कि वायरल कंटेंट पर हमेशा जाते रहते हैं, और इस चीज़ों को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि राजकिशोर भाई जो है कि लगातार मेहनत करते हैं। तो जितने भी दर्शक हैं और हमें अगर चीनते हैं तो भैया को पूरा सपोर्ट करें और प्यार दें। यहाँ पे है जो कि आज है जो कि संघर्ष 2 जो कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया उनका है जो कि मूवी आज प्रमोशन होने जा रहा है, प्रीमियर है, देखिए क्या कहना चाहेंगे? मेन बात है कि संघर्ष 2 आज होने वाले हैं, अथी होने वाले हैं पीएम मॉल पटना में। मेन बात है इसमें कि खेसारी लाल का बेटी कृति, बेटिया रानी कृति यादव इसमें रोल निभाई है, इस वजह से संघर्ष 2 मतलब कि और बेहतर बन गया, और जिस जिस फिल्म में उसका बेटी आती है उस फिल्म और तेजी चलता है जी। इस संघर्ष मतलब कि संघर्ष मूवी है जो कि नाम ही काफ़ी मतलब कि
ट्रेंडिंग वाला नाम है, तो क्या लग रहा है कि कैसा मूवी होगा ये? बहुत बेस्ट होगा और ट्रेंडिंग स्टार जिस तरह हमारे खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हैं, तो हमें भी लगता है कि पूरा अच्छा होंगे और इसी तरह आशीर्वाद प्यार भैया को दीजिए। संघर्ष मूवी निकाले, संघर्ष मतलब कि कुछ संघर्ष के बारे में दिखाएगा, मतलब कि संघर्ष के बारे में आप भी एक संघर्ष कर रहे हैं, आज यहाँ आए कहीं ना कहीं भाड़ा लगा के, तो आप भी एक संघर्ष उसी के बारे में दिखाएंगे कि संघर्ष कैसा होता है, क्या करना पड़ता है एक संघर्ष के लिए। कुछ अंदाज लगा सकते किस तरह के मूवी होंगे? जब जिस तरह नाम है तो मानिए तो भयंकर ही होगा। अच्छा, और धमाल ही मचाने वाला। कहीं ना कहीं मतलब कि पवन सिंह का भी मतलब मूवी आने वाला, मतलब कि दोनों एक ही दिन रिलीज हो रहा है। देखिए एक बात जो है, अब ऑडियंस जो भी कहे, देखिए हम खुल के तो नहीं बताएंगे, लेकिन बात यह है कि अगर पवन सिंह और खेसारी लाल में दोनों में तुलना किया जाए तो देखिए पवन भैया की बात है कि सॉन्ग हमेशा अच्छा रहते हैं, सब चीज़ में सॉन्ग उसका ज़्यादातर चलते हैं, और खेसारी भैया का है कि फिल्म चलते हैं ज़्यादा, तो इसलिए ट्रेंडिंग एक्टिंग बढ़िया कर लेते हैं, और उनका कला जैसे गला अच्छा है उनका पवन सिंह का, तो इस वजह से फिल्म इसका बेहतर रहता है। यहाँ पे है जो कि पीएन मॉल में अभी हम फोरवे तल्ले पर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब कि प्रमोशन मतलब कि सजावट ये सब किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तरीका से होगा यहाँ पे प्रमोशन? बहुत बढ़िया लग रहा है, और हमारे बिहार में हो रहे हैं तो खुशी की बात है, और हमारे बिहार से खेसारी भैया कहीं ना कहीं पटना से कर रहे हैं, ये तो और खुशी की बात हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं, अपना न्यूज़ भी बना लेंगे और मिल भी लेंगे, मिलने का मौका मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी बात है। तो जितने भी संघर्ष मूवी बनाने वाले जो लोग हैं उनको मतलब क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि एक मतलब कि संघर्ष क्या होता है, एक दिखाने के लिए अपने कोशिश किया और फिल्म बनाने के लिए कोशिश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह रहेगा, चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। थैंक यू, और भैया से मिलकर अच्छा लगा। और संघर्ष मूवी का मतलब दोस्तों होता है कि मतलब कि संघर्ष करना, मतलब किसी लेवल पर जाना, ये होता है संघर्ष का मतलब। कहीं ना कहीं उसमें दिया हो मतलब कि मोटिवेट वीडियो मतलब कि बनाया गया होगा जाकि ताकि हम लोग कुछ कर सके आगे चल के, है ना? बिल्कुल। तो चलिए आप लोग भी इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और है जो कि काफ़ी मतलब कि अच्छे मतलब वीडियो आ सारे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप सबसे मिलते हैं, बाय।